लिए। एक सेकुलर नेता है नौशाद सिद्दीकी, वो सबकी बात करता है, वो हक की बात करता है, राइट की बात करता है, वो देश की संविधान की बात करता है, दंगा की बात नहीं करता है, दंगा भड़काने की बात नहीं करता है, वो एजुकेशन की बात करता है, वो वकअप की बात करता है, वो राइट की बात करता है, वो धरना में जो बैठे हैं उसके लिए बात करता है, वो डीए के लिए बात करता है, वो संविधान की बात करता है। अरे तकबीर अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर हम लोग नमाज पढ़ेंगे, इसकी औकात है, बजरंग दल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का ताकत है, आप रोक के दिखाइए। अगर मुसलमान अगर गर्म हो गया तो आपको यहाँ से चड्डी लेके भागना पड़ जाएगा कि मुंह में टेप है, इतना बड़ा बड़ा दंगा और आग लग रहा है, मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है, मस्जिद के ऊपर हमला हो रहा है, सेकुलर सरकार कहाँ है, सेकुलर नेता कहाँ है, कोई नहीं रहे। भड़काने की कोई बात, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, भड़का तो वो ले रहे हैं जो दंगा ही कर रहे हैं, भड़का तो वो ले रहे ममता बनर्जी और बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं जो जिस तरह से दंगा हुआ, उनको पता है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो मतलब किस संविधान की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी सेकुलर की बात हो रही है यहाँ पे, देश में सेकुलर बचा कहाँ है, सेकुलर को मान कौन रहा है, ना सरकार मान रही है, ना उपरोधी मान। सेव करते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर हम लोग नमाज पढ़ेंगे, किसकी औकात है, बजरंग दल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का ताकत है, आप रोक के दिखाइए, हम लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, आपके अगर दम आप आके दिखाइए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग पीसफुल नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत में हैं, नमाज में हैं, आप छेड़ने की जो बार बार कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा आप अपने आप को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू आप हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान को, ये बंगाल की सरजमी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये विवेकानंद का ये बंगाल है, ये बंगाल पीस बंगाल है, यहाँ के मुसलमान को छेड़ने की कोशिश नहीं करे। अगर मुसलमान अगर गर्म हो गया तो आपको यहाँ से चड्डी लेके भागना पड़ जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी हावड़ा से लेकर पाक सर्कस का लेकर आज भी दो तीन जगह में जो दंगा हो रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सेकुलर सरकार है, तो सेकुलर सरकार रहते भर में दो से तीन घंटा तक कंटिन्यू दंगा चल रहा है, तो प्रशासन पुलिस फेलियर है, कहाँ है पुलिस, आखिर किसके इशारे पे ये खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको तो पता है कि दंगा कहाँ पे होगा, लड़ाई कहाँ पे होगा, कहाँ पे झमेला होगा, तो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रही है, मस्जिद के सामने इस तरह से उपवाद कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गरीबों का ठेला चल रहा है, फल मंडी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गरीबों का गाड़ी चल। देखिए जब मुसलमान पत्थर फेंकता है तो मीडिया जो सेंट्रल नेशनल मीडिया है वो बराबर दिखाती है, मगर यहाँ बंदूक के साथ लहराया जा रहा है, तलवार के साथ लहराया जा रहा है, तो इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ उसको उल्टा क्यों देना चाह रही, पॉलिटिकल क्यों करना चाह रही है, मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस पॉलिटिक्स कर रही है और बीजेपी को 2024 में इशारा कर रही है आप एंट्री कीजिए। बीजेपी को आज 34 साल सीपीएम रहा, एक भी बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आया, आरएसएस का एक भी शाखा नजर नहीं आया, विश्व हिंदी परिषद या रामनवमी बोल करके यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मगर ममता की सरकार बैठने के बाद बंगाल के हर कोने में पाक सर्कस जैसे इलाके में देखिए मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, मतलब सेकुलर सरकार नहीं है ये, राम सरकार, सेकुलर सरकार मत बोलिए, ये जय श्री राम सरकार है, दोनों मिलकर के ये एमपी का खेला खेल रही है, ये पंचायत का खेला कर रही, दोनों गठबंधन है, गठजोड़ है, इमान तो बेवकूफ बन चुका है, मगर अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, अपने बल पे लड़ेगा, अपने ताकत पे लड़ेगा। मैंने नूपुर शर्मा पाक सर्कस में कहा था कि होशियार हो जाओ और जाग जाओ, और खास करके जो टीएमसी मुसलमान नेता है मुंह में टेप है, कल भी मैं कहा था आज भी कह रहा हूं कि मुंह में टेप है, इतना बड़ा बड़ा दंगा और आग लग रहा है, मुसलमान को पर हमला हो रहा है, मस्जिद को पर हमला हो रहा है, सेकुलर सरकार कहां है, सेकुलर नेता कहां है, वो लोग सामने क्यों नहीं आते। आप अफतारी में सिर्फ बाबुल सुप्रियो जैसे नेता को लाकर, से नेता को लाकर के टोपी पहना करके अफतारी कराते हैं, उस टाइम में आप सेकुलरिज्म दिखाते हैं, आज जो दंगा हो रहा है तो सेकुलरिज्म कहां गया है, आज अफतारी पे क्यों नहीं बुला रहे हैं आप, तो मुसलमान को बेवकूफ ना बनाए, आने वाले वक्त मुसलमान जाग गया है, आप बेवकूफ जाति नहीं बना सकते हैं। देखिए ममता बनर्जी तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोट पंचायत में घसक रहा है, उनको पता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्री प्लान दंगा कराया गया है, अगर प्री प्लान दंगा नहीं होता दो तीन घंटा पुलिस क्यों खामोश बैठी, किसके सारे पे, सरकार ममता की है, ममता पुलिस का मंत्री है, तो ममता चाहे तो हैंडल कर सकती है, ममता को पता है कि कहां कहां रामनवमी का जुलूस होगा, कहां कहां दंगा होगा, मस्जिद नमाज होगा, उनको पता है, रोजा होगा, पीसफुल होगा, उनको पता है, फिर भी ये दंगा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस पॉलिटिक्स, आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूं किस तरह से पॉलिटिक्स हुआ, जब रामनवमी का जब जुलूस निकल रहा है, टीएमसी के भी नेता साथ में चल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी साथ में चल रहे हैं, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्या है कि सीपीएम बीजेपी एक है, मगर यहां रामनवमी तो टीएमसी बीजेपी एक नजर आ रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे, दोनों कैंप लगा के रास्ता में शरबत पिला रहे, पानी पिला रहे, तंबू गाड़े में बीजेपी टीएमसी दोनों एक साथ में, और टीएमसी बीजेपी में जा रही है, बीजेपी टीएमसी में जा रही है, यही मुसलमान के नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के बात बोलिए, ये बंगाल के बोलिए, मुसलमान के मत बोलिए। एक सेकुलर नेता है नौशाद सिद्दीकी, वो सबकी बात करता है, वो हक की बात करता है, राइट की बात करता है, वो देश की संविधान की बात करता है, दंगा की बात नहीं करता है, दंगा भड़काने की बात नहीं करता है, वो एजुकेशन की बात करता है, वो वकअप की बात करता है, वो राइट की बात करता है, वो धरना में जो बैठे हैं उसके लिए बात करता है, वो डीए के लिए बात करता है, वो संविधान की बात करता है। ममता बनर्जी जैसे, उनको पता है कि दंगा होगा, उसके बाद दंगा होने के बाद वो स्टेटमेंट जो देती है और कुछ लोगों को धरती है, बनियापुकुर में जो पाक सर्कस में जो हमला हुआ वहां पे आप आधे घंटे के लिए आपने उपरोधियों को पकड़ा, उसके बाद बनियापुकुर का ओसी आधे घंटे
आधा घंटे के अंदर में उसको किसके इशारे पे छोड़ दिया जाता है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब दे, ये एफआईआर तक नहीं होता है? क्यों एफआईआर नहीं होता है? इतना बड़ा मामला, यही अगर कोई मुसलमान का लड़का या कुछ छोटा मोटा अगर मामला कर देता तो उसके ऊपर ना जाने पीएफआई लग जाता, क्या क्या मामला धारा लग जाता, कोई बोलने वाला नहीं होता। तो मुख्यमंत्री को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि मुसलमानों को झुंझुना देकर के जो बेवकूफ बना रही है, बीजेपी का डर जो दिखला रही है, आरएसएस का डर दिखला रही है, विश्व हिंदू परिषद का डर दिखला रही है, दंगा आग लगा करके डर दिखला रही है, डर मुसलमान डरता नहीं है, ये भूल में ना रहे। आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को होशियार रहना पड़ेगा। आग में जो हाथ डाल रही है, बीजेपी को लाके यहां खड़ा करती है अपोजिशन में, आरएसएस को परेड करवाती है धर्मतल्ला में, शहीद मीनार में, और मुसलमान को बेवकूफ जो बनाती है, ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बनेगा। मुसलमान समझ रहा है कि आप आग से मुसलमान को खेलने के लिए तैयार कर रही है, मुसलमान के घर में आग लगेगा, मुसलमान अपने आप को डिफेंस करेगा, संविधान पे पूरा भरोसा है मुसलमानों को, संविधान मुसलमान के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान संविधान के साथ खड़ा है और संविधान को मानेगा, और संविधान के लिए इसलिए हम लोग भड़काने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के साथ हम लोग जवाब देंगे, हमारा राइट है, संविधान देता है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करके जवाब देंगे हिंदुस्तान में। और हिंदू भाई भी देख लें कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बंगाल के देश को, और विवेकानंद जैसे बंगाल के देश को, सुभाष चंद्र जैसे बंगाल के देश में जिस तरह से आतंक बढ़ाया जा रहा है, बंगाली भाई लोग जान रहे हैं कि एक बीजेपी टीएमसी का खेल जो चल रहा है, राजनीति का प्रयास किया। 34 साल में तो कहा 34 साल सीपीएम की सरकार थी, बजरंग दल था क्या? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, 34 साल सीपीएम की सरकार थी, आरएसएस बीजेपी कितने थे, ये तो मैं सवाल कर रहा हूं, कितने ऑफिस आरएसएस के खुले थे, कितने परेड धर्मतल्ला में आरएसएस के हुए थे, हर मैदान में आरएसएस का प्लेट हो रहा है। ममता बनर्जी की मेहरबानी है, एक तरफ टीका लगाती है, एक तरफ दुआ करने चले जाती है, बैलेंस पॉलिटिक्स बंद करें, आप स्टैंड क्लियर करें, आपको सत्ता बैठाया गया काम करने के लिए, धर्म का और दंगा का राजनीतिक बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त में इसका जोरदार मुखालफत करेंगे हम लोग, लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को सामने में रख के लड़ाई लड़ेंगे ऐसे नेताओं के खिलाफ, खास करके टीएमसी के मुसलमान जो टोपी पहन करके जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आप मुसलमान के फेवर में बात कर रहे हैं, हिंदू के फेवर में बात कर रहे हैं, या सेकुलर फेवर में, या दंगाई के फेवर में, स्टैंड क्लियर करें अपना। देखिए पीआईएल दाखिल करें, उनका जो राइट है संविधान के हिसाब से अपना करें, वो अपनी जांच का विषय है, जांच करें, मगर यहां पे तो सरासर पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग, दंगाई लोग हैं, उनको उठाए ना, ओपन मशीन लहरा रहे हैं, सामान देखिए गन लहरा रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, मस्जिद को लात मार रहे हैं, आग लगा रहे, गरीबों का ठेला फल फ्रूट, गरीब जाए कहां, गरीब तो बेबस लाचार है इस सरकार से, बीजेपी सरकार हो चाहे टीएमसी सरकार, दोनों तो एक साथ मिलकर के दोनों दंगा भड़का के दोनों अपने बैलेंस पॉलिटिक्स सीट शेयर कर रहे हैं, ये समझना होगा राजनीति को। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं सीपीएम कांग्रेस आईएसएफ को जब तक आप नहीं लाएंगे, जब तक आप कुछ मैंडेट नहीं देंगे, तब तक आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं रहे। भड़काने की कोई बात, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, भड़का तो वो ले रहे हैं जो दंगाई कर रहे हैं, भड़का तो वो ले रहे ममता बनर्जी और बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं जो जिस तरह से दंगा हुआ, उनको पता है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो मतलब किस संविधान की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी सेकुलर की बात हो रही है यहाँ पे, देश में सेकुलर बचा कहाँ है, सेकुलर को मान कौन रहा है, ना सरकार मान रही है, ना उपरोधी मान रहे हैं, आखिर ऐसे लोगों को अगर जब आप पीएफआई क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप उसको आतंकवाद क्यों नहीं साबित कर रहे हैं, मुसलमान अगर टोपी पहन के अगर पत्थर चला देता है तो आतंकवाद, तो आज जो भगवा आतंकवादी है उसको आतंकवाद बोलने में नेशनल मीडिया को शर्म लगता है क्या, सरकार सेंट्रल सरकार हो या स्टेट सरकार।